तो हे कंज्यूमर, दिस इज़ प्रशांत ग्रोवर, आप देख रहे हैं देसी कंज्यूमर। तो आज इस वीडियो में एक फ़िलिप्स ब्रांड के जूसर की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाला हूँ। तो अगर आप फ़िलिप्स ब्रांड का जूसर लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, इससे आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको इस ब्रांड का जूसर लेना चाहिए या नहीं। तो चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की। जैसा कि बॉक्स के ऊपर बताया गया है कि ये क्विक क्लीन जूसर है, तो जूस निकालने के बाद जब इसे क्लीन करेंगे तो काफ़ी जल्दी ये साफ़ हो जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है। साथ ही में हमें एक ड्रिप स्टॉप फीचर देखने को मिल जाता है और हमें 500 वॉट्स की पावरफुल मोटर देखने को मिल जाती है, और जो जूस है आप डायरेक्टली अपने ग्लास में फिल कर पाएंगे। और जो बात करें इसमें वारंटी की और या फिर गारंटी की, तो इसमें हमें 2 साल की गारंटी मिल जाती है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। ऊपर की तरफ हमें कुछ डिटेल्स दिए गए हैं, जैसे इसकी MRP, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और कहां पर मैन्युफैक्चर हुआ है। बात करें इसकी MRP, तो इसकी जो MRP है 6,895 रुपीज़, लेकिन ये आपको 5,000 से 5,500 के बीच में फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा। मैंने इसे बिग बिलियन डे सेल के टाइम पर काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में 3,273 रुपीज़ में बाई किया है। तो चलिए कर लेते हैं इसे अनबॉक्स और देखते हैं कैसी क्वालिटी के इसके पार्ट्स और एक्सेसरीज देखने को मिल जाती हैं। तो सबसे पहले बॉक्स के अंदर हमें देखने को मिल जाता है इसका यूज़र मैनुअल, कि जिसमें हमें पिक्चर्स के थ्रू बताया गया है कि कैसे इसे असेंबल करना है और यूज़ करना है। इसे मैं बाद में रीड करूँगा, रख देते हैं इसे साइड पर। तो निकाल लेते हैं सारे पार्ट्स और एक्सेसरीज बाहर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी क्वालिटी की। जो हमें जूस मग देखने को मिल जाता है प्लास्टिक का, जो कि एक PP प्लास्टिक है, काफ़ी थिक है और ये डिश वॉशर और हीट रेजिस्टेंट है, और हमें 500 ml का इसमें जो क्वांटिटी फिल हो सकती है। तो थम्स अप फॉर द प्लास्टिक, जो काफ़ी अच्छा प्लास्टिक यूज़ किया गया है। और बात करें इस नेक्स्ट पार्ट की, जो इसमें जो जूस फ्लो करके जो हमारा ग्लास में फिल होगा, इसमें हमें जो ये देखिए ड्रिप स्टॉप फीचर, देखिए इस तरीके से जो इसकी टैप है ऊपर करेंगे तो जो बूंदें हैं जूस की, जब हमें नहीं ज़रूरत तो नीचे नहीं गिरेंगी। और जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा जूसर के ऊपर का पार्ट है, जिसके थ्रू हमारी वेजिटेबल्स या फिर जो फ्रूट्स हैं जिसके थ्रू अंडर डालते हैं, तो जो नॉर्मली है मैंने देखा है कि क्रैक हो जाता है। जैसे आप हार्ड वेजिटेबल्स डालते हैं जैसे बीट रूट या फिर गाजर को, तो यहाँ से क्रैक हो जाता है। तो इसका काफ़ी थिक है, ये ईजिली क्रैक नहीं होगा, काफ़ी अच्छी बात है। और बात करें इसकी छन्नी की, तो ये स्टील की बनी है और इसमें जो होल्स हैं काफ़ी बारीक दिए गए हैं, तो काफ़ी अच्छे तरीके से जो जूस है वो छन कर निकलेगा। और इसके जो ब्लेड्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे दिए गए हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के इसमें जो मटेरियल यूज़ किया गया है। और बात करें इसकी जो वेस्टेज कंटेनर है, जूस का जो वेस्ट है इस कंटेनर में आएगा, ये राउंड शेप में दिया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें स्पेस देखने को मिल जाता है इस साइज़ में। अगर बात की जाए प्लग की, तो प्लग हमें 2-पिन प्लग देखने को मिल जाता है, जिसकी क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगी। अगर इतने पैसे खर्च करने के बाद 3-पिन प्लग और अच्छी क्वालिटी का प्लग लगा दिया जाता तो काफ़ी अच्छा रहता, तो डिससेटिस्फाइड हूँ मैं इसके प्लग से। बात करें वायर की, तो वायर की क्वालिटी ठीक ठाक है, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी छोटी है, 0.5 मीटर से भी इसकी छोटी लेंथ है। मुझे प्लग और वायर दो इसके नेगेटिव पॉइंट लगे इस जूसर के। नीचे की तरफ हमें देखने को मिल जाता है एक वेंटिलेशन ग्रिल, और साथ ही में बताया गया है कि 220 वॉट से लेकर 240 वॉट तक की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है इसकी मोटर। और ऊपर की तरफ हमें एक बटन देखने को मिल जाता है ऑन और ऑफ, 0 हमारा ऑफ है और 1 हमारा ऑन है, जो कि काफ़ी सिंपली तरीके से दिया गया है। और इसमें मुझे एक खास बात लगी, जो इसके फुट हैं ये वैक्यूम क्रिएट करने वाले फुट हैं। अगर आप इसे टेबल पर रखते हैं तो देखिए ये मूव नहीं करेंगे, एक ही जगह पर बने रहेंगे, तो वैक्यूम क्रिएट हो चुका है इसके फुट के अंदर, तो काफ़ी अच्छी बात है, रबड़ के हैं तो अच्छी है। और चलिए कर लेते हैं इसे पूरा असेंबल, तो देखते हैं कैसा लुक देता है ये। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी कॉम्पैक्ट सा डिज़ाइन मिल जाता है, क्लासिक लुक दे रहा है। बात करें इसकी साइज़ की, तो ये पूरे 30 सेंटीमीटर्स की इसकी हाइट है, काफ़ी छोटा हमें दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे ये वर्क करता है। तो मैं इसमें ऑरेंजेस का जूस निकालने वाला हूँ, तो चलिए निकाल लेते हैं इसका जूस, लगा दिया है प्लग कर दिया स्विच ऑन, तो चलिए देखते हैं कैसा वर्क करता है ये। देखिए देखिए कुछ इस तरीके से ड्रिप स्टॉप फीचर वर्क करता है। देखिए मैंने टैप को ऊपर की तरफ मूव कर दिया है मैंने जूस को फिल करने के बाद,
तो देखिए जो जूस की बूंदें अब नीचे नहीं गिरेंगी, तो काफ़ी अच्छा फीचर लगा मुझे इसका, ड्रिप स्टॉप फीचर। तो चलिए चेक कर लेते हैं जो हमारा जो ऑरेंजेस का जूस है वो प्रॉपर तरीके से निकला है या नहीं। तो देखिए इसमें प्रॉपर तरीके से जो है वेस्ट आ चुका है, जो हमारे ऑरेंजेस का जो जूस है प्रॉपर तरीके से स्क्वीज़ हो चुका है, तो इसमें हमारा जो वेस्ट नहीं हुआ है जूस जो है प्रॉपर तरीके से निकल गया है। बात करें इसकी क्लीनिंग की, तो जी हाँ मुझे इसमें सिर्फ 2 से 3 मिनट लगे। तो जी हाँ ये क्विक क्लीन जूसर है, काफ़ी जल्दी ये क्लीन हो जाता है। तो इसे जितने भी इसके जो पार्ट्स हैं आप इसे वाटर में वॉश कर सकते हैं, साबुन से धो सकते हैं, लेकिन इसका जो मोटर वाला पार्ट है ये, इसे आपको गीला कपड़ा कर कर इस तरीके से साफ़ कर सकते हैं, तो आपका ये जल्दी क्लीन हो जाएगा। तो जी हाँ ये क्विक क्लीन जूसर है। अगर बात करें जूस की, तो एकदम प्रॉपर तरीके से जूस निकला है, मुझे इसे एक्सटर्नल छाननी से छानने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, लेकिन मुझे इसके जूस के टेस्ट में हल्का सा कड़वापन लगा, क्योंकि इसके जो सीड्स हैं साथ में पिस गए हैं। हो सके तो ऑरेंज जैसे फ्रूट्स के जो सीड्स हैं निकाल कर आप जूस निकालें तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। ओवरऑल जूस जो है एकदम बेस्ट निकला है, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगी। ओवरऑल बात करें जूसर की, तो इसका जो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इसकी अच्छी बातें, इसका जो सबसे अच्छी बात लगी मुझे इसका जो कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, इसका जो मटेरियल है और इसके जो फीचर्स हैं, और काफ़ी अच्छे तरीके से जूस निकालता है, मुझे इसमें कोई भी कमी नहीं लगी, ये सारी इसकी अच्छी बातें हैं। और बात करें बुरी बातों की, तो मुझे इसमें सिर्फ एक बुरी बात लगी, इसका जो प्राइस है काफ़ी हाई है, हल्का सा कम होता तो अच्छा होता। अगर आप इसे सेल के टाइम पे ख़रीदते हैं तो आपको ये थोड़े सस्ते प्राइस में मिल जाएगा, जैसे मुझे मिला है। तो ओवरऑल ये बेस्ट जूसर है, तो एंड में मैं कहना चाहूँगा अगर आप ये जूसर लेना चाहते हैं तो ज़रूर लीजिए, एकदम बेस्ट जूसर है, आपको कोई भी कमी नहीं तो लगेगी। ये था पूरा रिव्यू फिलिप्स के जूसर का। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।